Hello guys, you are watching Siva Learning. You can also visit us on www.sivalearning.in. So today I am going to tell approximately 4 to 5 important news about the NEET Counseling 2018 state quota and all India quota. Okay, so first news is about the Karnataka Counseling about the fees regulations. Okay, so let's see what are the news. The students are requested to note that they have to pay only the fees as displayed in the KAA portal. जो KAA के portal में fees जो दिया है, जैसे मान लीजिए जो management seat है, वो 6.83 है, NRI का seat है, like 19 lakh, 20 lakh, 22 lakhs, या फिर जो state का fees है, state के बच्चों के, वहां के domicile के लोगों को, उनका fees है, like 90,000, 84,000, 1,50,000, इस type से जो भी fees है, आपको वही फीस देना है. दिस इंक्लूड्स हॉस्टल एंड मेस फीस इफ एप्लीकेबल एंड ट्रांसपोर्ट एंड अदर फीस टू बी पेड एट द कॉलेज. इन केस एनी कॉलेज डिमांड फॉर एनी एडिशनल फीस अदर देन एज स्टिपुलेटेड एवर आइदर इन केस और विदाउट रिसिप्ट. अगर कोई कॉलेज आपसे फीस मांग रहा है बिना रिसिप्ट का, स्टूडेंट शुड ब्रिंग सच इंस्टेंसेस टू द नोटिस. और इस नो और इन सब बातों को बच्चों को आपके ईए को रिपोर्ट करना. आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? आप यहां से विजिट कर सकते हैं. ओके, kea.kar.nic.in पे क्लिक ऑन यूजी नीट, सेलेक्ट ग्रीवेंस फॉर स्टूडेंट्स इन द मीनिंग ऑफ यूजी नीट 2018 एंड लॉग इन विद द क्रेडेंशियल एंड एंटर द ग्रीवेंस. अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कॉलेज आपसे जो केईए ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस दिया उससे ज्यादा फीस यदि कोई मांगता है, देन यू कैन रिपोर्ट टू द केईए. ओके, so this is your first news. Okay, and mop up round registration for Karnataka is going on till 30th 5:30 PM. So uske pehle aap log kar lijiye. Round 2 ki option entry ya round 2 ki choice filling chal rahi hai, usko extend karke 3rd August tak kar diya gaya hai. So please kar lijiye. Okay, now let's see the some important news about the Tamil Nadu. Okay, सो तमिलनाडु का जो मैनेजमेंट सीट है और मैनेजमेंट कोटा एनआरआई सीट है, उसकी जो है काउंसलिंग चल रही है और वो 30 और 31 को आपको विजिट करना है. ठीक है, ये न्यूज़ देखिए. Kind attention to the candidate who have applied for the admission to the MBBS BDS course 18-19 session in the self-financing medical dental college under management quota. Okay, the counseling for admission to the MBBS and BDS course to the 18-19 sessions in the self-financing medical dental college under management quota will be scheduled from the 30th to 31. The detailed schedule will be hosted on the official website. आपको 30 और 31 यानी 30th जुलाई और 31st जुलाई को आपको विजिट करना है. ठीक है, वहां पे काउंसलिंग होगी. अगर आपको कोई डिटेल शेड्यूल या डिटेल नोटिस चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.tnhealth.org और www.tnmedicalselection.org shortly. आप वहां पे विजिट करके वहां से भी पता कर सकते हैं. ओके, सो ये आपका रहा सेकंड थर्ड न्यूज़. अब आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश का न्यूज़ क्या. आंध्र प्रदेश का जो मैनेजमेंट कोटा का मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी बी और कैटेगरी सी की सीटें थी, वहां पे आपको 24 तारीख से जुलाई 24 से अप्लाई करना था और 30th तक करना था. तो अभी आपके पास टाइम है. जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लिए, स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन अप्लाई बिफोर 30th. ठीक है, आपके पास 30th जुलाई तक का टाइम है. टुडे इज 29 एंड यू हैव एनफ टाइम टू अप्लाई. Separate online application are invited from the Indian citizen and other who have secured cutoff score and above in NEET 2018 for admission into management quota category B and C. Courses in the private and unaided non-minority minority medical and dental college and NRI quota seat in Sri Padmavati Medical College for women in the state of Andhra Pradesh for the academic year 18-19. ठीक है, तो जो भी लोग हैं, जो भी girls हैं, वो अपना अभी उनके पास एक दिन का टाइम है, वो अप्लाई कर सकती हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द अदर न्यूज. अदर न्यूज अबाउट द हरियाणा. हरियाणा की जो भी काउंसलिंग है अभी उसी पे रुकी हुई है, कोई खास अपडेट नहीं है. ओके, देयर इज नो स्पेशल अपडेट फ्रॉम द हरियाणा स्टेट. द हरियाणा यूआरएल इज uhsuga.admissions.in.
सो प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी देखते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक किया करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमारे यूट्यूब चैनल से भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे हर वो लोग कब न्यूज़ अपडेट करते हैं उस नहीं पता रहता है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको एग्जैक्ट न्यूज़ मिल पाए। लेकिन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू जस्ट प्लीज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके, एंड लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट आइडियाज एंड न्यूज एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द मॉपअप राउंड, वॉट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वॉट आर द थिंग्स, ओके। सो लेट्स सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया काउंसलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया डीम्ड एंड सेंट्रल काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो आपने एम सी सी राउंड वन राउंड टू में काउंसलिंग किया है, उसके बाद आती है मॉपअप राउंड, ठीक है। तो जो लोग राउंड वन या राउंड टू में काउंसलिंग किए हैं, ओके, वो लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन तभी एलिजिबल हैं अगर वो सीट नहीं पाए हैं। इफ़ यू डिडेंट गेट द सीट इन राउंड वन एंड राउंड टू, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। इफ़ यू आर फेल टू अप्लाई फॉर द राउंड वन एंड राउंड टू, देन यू कैन अप्लाई इन मॉपअप राउंड। इफ़ यू आर फेल्ड इन राउंड वन राउंड टू एंड मॉपअप राउंड, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एस्ट्रे वैकेंसी। एस्ट्रे वैकेंसी के लिए आपको राउंड वन राउंड टू या मॉपअप राउंड किसी में एक में ऑलरेडी अप्लाइड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मॉपअप राउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट हु ज्वाइन द सीट इन राउंड टू नॉट एलिजिबल, जो जिस कैंडिडेट को राउंड टू में सीट मिल गया है या राउंड वन में सीट मिल गया है वो एलिजिबल नहीं है मॉपअप राउंड के लिए, ओके। अलॉटेड ए सीट इन मॉपअप राउंड बाय डीजीएस, जिसको मॉपअप राउंड में सीट मिल गया है डीजीएस के थ्रू, वो एस्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड टू, जो अलॉटेड सीट राउंड टू में पा गया है वो भी एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी राउंड वन टू थ्री, जो जो बच्चा राउंड वन राउंड टू और राउंड थ्री किसी में या मॉपअप में रजिस्टर नहीं किया वो एस्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन एनी राउंड एलिजिबल, कोई भी बच्चा चाहे वो मॉपअप में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड किसी में सीट नहीं पाता है तो वो एस्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके पहले वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओके, क्योंकि एस्ट्रे वैकेंसी में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है। गवर्नमेंट कोटा मॉपअप राउंड, वैकेंट सीट आफ्टर एमसीसी राउंड टू, जो गवर्नमेंट कोटा की मॉपअप राउंड होगी स्टेट से, वैकेंट सीट जो एमसीसी से राउंड टू में जो सीट बचती है वो स्टेट को भेज दी जाएगी, रिवर्ट कर दी जाएगी। राउंड टू वैकेंट सीट, राउंड टू के बाद जो वैकेंट सीट होगी प्लस रिवर्टेड सीट फ्रॉम द एमसीसी, एमसीसी से जो सीट आती है उन दोनों को मिला के गवर्नमेंट कोटा अपना मॉपअप कराती है, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट सीट, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड फॉर एस्ट्रे वैकेंसी। एस्ट्रे वैकेंसी के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। फाइनल राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग कंडक्टेड बाई द यूनिवर्सिटी, एमसीसी काउंसलिंग का जो फाइनल राउंड है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, जो एस्ट्रे वैकेंसी के लिए, जो भी मतलब अगर आप एस्ट्रे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको राउंड वन राउंड टू या मॉपअप राउंड में ऑलरेडी अप्लाइड होना चाहिए। राउंड वन राउंड टू और मॉपअप राउंड में किसी में सीट ना मिला होना चाहिए, आपको कोई सीट ना मिला हो तभी आप एस्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एस्ट्रे वैकेंसी की मेरिट लिस्ट कैसी बनती है, टोटल कैंडिडेट इन मेरिट एस्ट्रे वैकेंसी सीट इंटू 10। मान लीजिए एस्ट्रे वैकेंसी 50 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 500 ही बच्चों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी ये, आपको हर कॉलेज पे विजिट करना है, उसके बाद ही आपको वो सीट मिलेगी, ओके। मॉपअप राउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर आप राउंड वन राउंड टू में रजिस्टर किए हैं तो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट नॉट गेट सीट इन राउंड वन राउंड टू, राउंड वन राउंड टू में सीट नहीं मिला हो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज हु होल्डिंग द सीट इन राउंड वन एंड राउंड टू, जो कि राउंड वन राउंड टू में सीट होल्ड किए हैं वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, जो होल्ड नहीं किए हैं वही एलिजिबल हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप मॉपअप राउंड के लिए, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अर्लियर रिजाइन, ठीक है। फ्रेश चॉइस होगा, फ्रेश चॉइस लॉकिंग होगा, फ्रेशेस
प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद आप उस कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ एनी फर्दर मोर इंक्वायरीज यू कैन ऑल्सो विजिट अस ऑन www.sevalearning.in, यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस, यू कैन ऑल्सो कॉल अस, देर इज़ नो प्रॉब्लम, श्योर वी विल रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप और कॉल्स। ओके, सो कीप इंजॉइंग, कीप लाफिंग एंड कीप पेशेंस, हैव नाइस डे।